माँ प्रणाम। माँ सूतक एंड पातक में पूजा के की नहीं करना चाहिए, माँ बताएं। पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए बताएं। सूतक और पातक में इसीलिए पूजा नहीं की जाती है क्योंकि एक प्रकार से पातक माने एक व्यक्ति आपके घर से गया है और सूतक माने एक व्यक्ति आपके घर में आया है। तो जब कोई व्यक्ति आपके घर में आया है शिशु के रूप में, तो माता के गर्भ की जो गंदगी है, कुछ ऊर्जा है, कुछ नकारात्मकता है, वो घेरती है घर को। तो इसीलिए सूतक लग गया। तो कहते हैं कि इस दौरान पूजा पाठ नहीं करो, क्योंकि जैसे एक रजस्वला स्त्री होती है तो उसका एक शारीरिक क्रम चल रहा है, तो वो समय नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसे ही बालक जन्मा है तो वो अपने साथ में जो शरीर की गर्भ की गंदगी है वो लेकर के आया है, तो कहीं ना कहीं हम उसके पास आ जा रहे हैं और उसकी ऊर्जा के घेरे में हैं, इसीलिए इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बात तब कही गई थी जब अधिकांश बालक घर में ही उत्पन्न हुआ करते हैं। दूसरा पातक, पातक माने एक जीवात्मा का जाना। जब कोई शरीर छोड़कर जाता है तो एक भैग्याई सी होती है। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ कुछ लोग मर जाते हैं या एक भी व्यक्ति मर जाता है, वहाँ एकदम भैग्याई सी छा जाती है, भयानकता सी छा जाती है। क्यों भयानकता सा छा जाती है? क्योंकि वो जो विचार शरीर है वो अपने स्थूल शरीर को न पाकर एकदम व्यथित हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। इसीलिए उस भय के वातावरण में, उस अशांति के वातावरण में जहाँ एक आ, 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 पीड़ा जैसी है, वहाँ पर पूजा नहीं करी जाए तो ठीक है अनुष्ठान में। बाकी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब होता है विधि विधान से देवी देवताओं का आवाहन करना, उनका उनको स्थान देना, उनको षोडशोपचार से पंचोपचार से पूजा करना, ये एक विशिष्ट पूजा है। लेकिन जो जैसे घर में ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं, जो आप सामान्य पूजा करते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।